भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिलाध्यक्ष एवं विधानसभा संयोजक नरपत सिंह रिणमल सर के नेतृत्व में गुरुवार को लोहावट विधानसभा क्षेत्र के सदरी झीला रामदेव नगर रूपाणा जैताड़ा सहित अन्य जगहों पर जन आक्रोश यात्रा रैली पूरे जोश के साथ निकाली गई। सभी जगहों पर आमजन ने रथिया जोरदार स्वागत किया था। साथ ही सभी ग्राम पंचायत गांव एवं ढाड़ियों में आमजन से संपर्क कर कांग्रेस को शासन विफलता के पत्रक बांटे। कई जगह चौपाले लगाकर आमजन को संबोधित किया गया। जिला मीडिया प्रमुख सुनील बुरड ने बताया कि जिलाध्यक्ष पालीवाल ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी को 10 दिन में किसानों के कर्ज माफी का वादा याद दिलाने के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं। भाजपा नेताओं पर लाठीचार्ज कांग्रेस की हिटलर शाही नीति है। कार्यक्रम के विधानसभा संयोजक नरपत सिंह रिणमल सर ने अपने संबोधन में कहा कि राहुल गांधी व कांग्रेस सरकार से सवाल पूछा कि राजस्थान में दूषित पानी से मौतों का सिलसिला कब रुकेगा। राजस्थान की 30% जनता जो दूषित पानी पी रही है उसे स्वच्छ पानी कब मिलेगा। वही जिला उपाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस कुशासन में अपराध चरम सीमा पर है। खुलेआम गैंगवार हो रही है, लोगों को गोलियां मारी जा रही है और सरकार राहुल गांधी के आवभगत में व्यस्त है। कांग्रेस कुशासन में हर वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। कार्यक्रम में जिला महामंत्री रतन मेघवाल, युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री जितेंद्र सिंह बुड़किया सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।